हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितेश आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अकाउंट के बारे में जानेंगे कि करंट अकाउंट के क्या फीचर्स हैं, इसके क्या लाभ हैं, करंट अकाउंट कौन खुलवा सकता है, ये क्या एक व्यक्ति या एक कंपनी एक से अधिक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक करंट अकाउंट को खोलने में लगता है, इंडिविजुअल को, एक कंपनी को, एक HUF को। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अकाउंट जो होता है एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है और यह बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के लिए सबसे सुटेबल अकाउंट है, क्योंकि एक बिजनेस अगर कोई आदमी कर रहा है या कोई कंपनी जो है बिजनेस में लगी है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। और सेविंग अकाउंट जो होता है वो उसका मुख्य उद्देश्य होता है सेविंग्स को एक्यूमुलेट करना, ताकि उसको और इन्वेस्टमेंट किया जा सके, उसका और दूसरे सेक्टर में उसको डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन करंट अकाउंट का फीचर क्या है, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चेक के माध्यम से, कैश के माध्यम से, जैसे भी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन कर सकते हैं। तो ये बिजनेस के ग्रो करने के लिए जहाँ की बहुत ज़्यादा लेन देन की ज़रूरत है, जहाँ बहुत अधिक ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके लिए बहुत ही सुटेबल अकाउंट होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, ट्रस्ट आदि जो है अपना करंट अकाउंट खुलवा सकती है। उसके लिए एक मिनिमम बैलेंस होता है जो कि मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में जो है आपको पेनल्टी भरना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। अगर कैश हैंडलिंग का जो लिमिटेशन, अगर उसने उससे अधिक आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उसको आपको जो है कैश हैंडलिंग चार्जेस जो है बैंक में देना होगा। और एक बात यहाँ पे आप समझ लें कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस ये है कि करंट अकाउंट में जो है कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। साथ ही साथ करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। इसके लिए आपको करंट अकाउंट में जो है एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कितने बैलेंस मेंटेन करने के बाद और किस तरह के ट्रांजेक्शन के बाद आपको OD की फैसिलिटी दी जाएगी। और जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है उसमें जो है आप लिमिट से अधिक पैसा निकालते हैं और वो एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन होता है जिस पर कि आपको बैंक को ब्याज देना होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं करंट अकाउंट के बारे में। अब जैसे अगर मान लीजिए एक इंडिविजुअल अगर अपना करंट अकाउंट खुलवाना चाहता है, जो कि कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो या कोई कंपनी या कोई HUF या फिर ट्रस्ट, तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे एक इंडिविजुअल अगर अपना करंट अकाउंट खुलवाना चाहता है तो एक एप्लीकेशन, उसके बाद उसकी पैन कार्ड, उसके एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ ही साथ एक विटनेस जिसका कि ऑलरेडी करंट अकाउंट उस ब्रांच में या जिस बैंक में वो खुलवा रहा है उस बैंक में चल रहा हो। कंपनी के केस में जो है सारे डायरेक्टर्स के द्वारा एक लिखित रिजोल्यूशन चाहिए। साथ ही साथ सारे डायरेक्टर्स का एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, फ़ोटो, ये सारे कंपनी के केस में जो है करंट अकाउंट खोलने के लिए चाहिए। कंपनी का एड्रेस प्रूफ चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड चाहिए। तो कंपनी के केस में ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए उसका करंट अकाउंट खोलने के लिए। अगर ट्रस्ट के केस में कहें तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड चाहिए। साथ ही साथ अगर ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो उस केस में जो है चैरिटी कमिश्नर का सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें कितने ट्रस्टी हैं उसका लिस्ट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ट्रस्ट के केस में चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है करंट अकाउंट खोलने में, कंपनी के केस में, ट्रस्ट के केस में, इंडिविजुअल के केस में लगता है। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बड़ौदा UP बैंक की बात कर लूँगा कि इसमें करंट अकाउंट खोलने के लिए क्या जो है क्या मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर इसमें अगर आप देखें रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में तो मिनिमम 1000 आपको मेंटेन करना है एज ए इंडिविजुअल या अदर कोई भी करंट अकाउंट अगर खुलवाते हैं। लेकिन अर्बन और जो है मेट्रो और अर्बन में पर्सनल अकाउंट अगर मतलब कोई व्यक्ति अपना करंट अकाउंट खुलवाता है तो उसको मिनिमम 2000 मेंटेन करना होगा। और अदर देन इंडिविजुअल अगर कोई करंट अकाउंट खुलवाता है अर्बन और मेट्रो में तो उसको 3000 मेंटेन करना होगा।
अब यहाँ पर ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो है एक से अधिक अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं या कोई कंपनी। तो यहाँ पर बैंक इंसिस्ट करती है कि आप एक ही करंट अकाउंट खोलें, क्योंकि 2018-19 के केस में क्या हुआ था कि जब लोगों किसी कंपनी का बहुत सारा करंट अकाउंट था तो वो क्या करते थे, फंड को डाइवर्ट कर लेते थे। मान लीजिए कहीं से उसने जो है क्रेडिट फैसिलिटी लिया है, लोन लिया है, और वहाँ करंट अकाउंट चला रहा है लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, कहीं किसी और बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो उस कारण से बैंक ये इंसिस्ट करती है कि आप जहाँ से क्रेडिट फैसिलिटी लिए हैं वहीं अपना करंट अकाउंट खुलवाएं, और अगर आप यहाँ खुलवाना चाहते हैं तो आप एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप उस बैंक से हमें दिलवाइए, ताकि अगर आपका दोनों जगह करंट अकाउंट चल रहा है तो उस केस में उस बैंक को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो ये सारी बातें जो हैं ये करंट अकाउंट के बारे में। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के केस में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी अनलिमिटेड इसमें फ्री होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन होते हैं कि अगर आप इससे ज़्यादा कैश का ट्रांसफ़र करते हैं तो या अधिक अधिक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में आपको जो है कुछ फ़ी जो है वो करंट अकाउंट के चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं। तो यही सारी बातें करंट अकाउंट के बारे में होगा। अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।